सो टुडेज क्वेश्चन इज, डू यू थिंक रोमन रेंस फुली फॉग इवन सेमीजेन, यानी कि आपको लगता है वाकई में रोमन रेंस दिल से सेमी को माफ कर चुके हैं जो कुछ उन्होंने इस बीती स्मैकडाउन में किया था और सर्वाइवर सीरीज में जो उन्होंने ट्रस्ट जीता, आपको लगता है क्या रोमन रेंस दिल से उन्हें माफ कर चुके हैं? कॉमेंट बॉक्स में जो बताएगा। आज की वीडियो दोस्तों काफी धांसू रहने वाली है, ये रहने वाली दोस्तों एक मैशअप वीडियो जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारी अपनी मंडे नाइट रॉ की, और उसके बाद कवर करेंगे दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें। तो होप करूंगा दोस्तों आप इसे एंड तक देखेंगे, और शुरू में ट्राइबल चीफ के नाम कर दीजिएगा लाइक, वीडियो का लाइक टारगेट रखूंगा लगभग 2000 लाइक का। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ की। कल दोस्तों हम लोगों को मंडे नाइट रॉ देखने को मिलने वाली है, एंड गाइस इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी ना, वो है सेथ रॉलिंस की एंट्री। सेथ रॉलिंस दोस्तों अब ना मैच हार चुके हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, एज वी ऑल नो दोस्तों वहां लैशली की वजह से दोस्तों जो ऑस्टिन थ्योरी है टू टाइम यूएस चैंपियन बन चुके हैं। ऐसे में दोस्तों सेथ रॉलिंस आकर वहां एक तगड़े वाला प्रोमो काटेंगे, कहेंगे ऑस्टिन थ्योरी आ जा, दोनों के मध्य दोस्तों आपको ब्रॉल भी देखने को मिल सकती है, और ये चीज हो सकती है कि आगे जो होने वाला है पीपीवी यानी कि दोस्तों रॉयल रंबल, वहां इनका मैच हो सकता है इसी मंथ कंफर्म इसी मंडे नाइट रॉ में। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है रिया एंड बियांका ब्लेयर का फेस ऑफ। तो इनका भी फेस ऑफ बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो रिया है ना वो इस वक्त फ्रंट लाइन में चली हुई है कि वो नंबर वन कंटेंडर बने बियांका की चैंपियनशिप के लिए। वॉर गेम्स में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, और ऐसे में दोस्तों कल की मंडे नाइट रॉ में हमें इन दोनों के मध्य एक तगड़े वाला फेस ऑफ बैक स्टेज देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वह है गाइस हमारी अपनी बेली की एंट्री। तो बेली दोस्तों कॉल्ड आउट करने वाली बैकी लिंच को, हमने देखा वॉर गेम्स में कैसे ये दोनों एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ी है, ऐसे में दोस्तों इनकी भी राइवलरी बताई जा रही है कि बिगन हो सकती है, कल दोस्तों इस समा बंध सकता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी द उसोस एंड सेमी ज़ेन का प्रोमो। तो मंडे नाइट रॉ में दोस्तों उसोस इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास दोस्तों रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप्स भी है, कल फिर से आ सकते हैं क्योंकि सही मौका रहेगा दोस्तों कि सेमी एंड जे उसो का प्रॉपर रियूनियन दिखाया जाए। जब उनका रियूनियन दोस्तों सर्वाइवर सीरीज में हुआ ना, या फिर कह सकते हैं जब इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया ना, तो गूसबम्स आ गए थे, सेम गूसबम्स कल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये तीनों आकर दोस्तों एक वहां प्रोमो काट सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं। बात की जाए अपने सामा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस रूमर्ड है 50-50, पहले ही कह दूं साशा बैंक्स एंड नायोमी का रिटर्न बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू डेव मेल्सर। दोस्तों किसी मनी थिंग के चलते दोस्तों साशा जो है वो नहीं आ पाई दोस्तों सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद से सॉल्ड आउट हो चुका है, एंड रूमर्ड है कि कल की मंडे नाइट रॉ में साशा नायोमी का रिटर्न हो सकता है। हालांकि अभी के लिए आप इसे 50-50 ही रखिए। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट रह सकता है द बीस्ट ब्रॉक लेस्नर का रिटर्न। तो स्पोर्ट्स कीड़ा वालों की माने तो लेस्नर दोस्तों कल की रॉ में इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि रॉ काफी बेकार जा रही है, रेटिंग गिरती जा रही है, लेस्नर दोस्तों नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में ट्राइबल चीफ तो आते ही नहीं है, तो यहां दोस्तों लेस्नर से कन्फ्रंट करने कल ब्रॉक लेस्नर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों मंडे नाइट रॉ शुरू होने से पहले ही दोस्तों काफी ज्यादा बंपर हो चुकी है। बात कर लेते हैं आज की अपनी खबरों की, तो गाइस खबरें सबसे ज्यादा बंपर है और गाइस इनको सुनना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी बैकी लिंच की, जिन्होंने अपने फ्यूचर प्लान डिस्कस कर दिए हैं। तो हाल ही में दोस्तों बैकी ने यह चीज बताई है कि अब जब वो वॉर गेम्स में लौट आई है उनका नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा। बैकी ने कहा है आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट वुमन टू विन द रॉयल रंबल ट्वाइस। तो रॉयल रंबल वो पहले जीत चुकी है, आपने देखा भी है, और गाइज अब वो चाहती है कि दूसरी बार रॉयल रंबल को जीते, एंड मुझे क्या लगता है कि वो जीत भी सकती है क्योंकि दोस्तों बैकी जो है इस वक्त टॉप पर चली हुई है पॉपुलैरिटी के लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो। यहाँ दोस्तों बैकी ने काफ़ी अच्छी बात कही है। बात कर लेते दोस्तों अब इससे अगली न्यूज की, तो कर्ट एंगल ने 10 मिलियन मांगे। अब आप बोलेंगे यार कर्ट एंगल को क्या हुआ जो 10 मिलियन मांग रहा है, तो बताया जा रहा है कर्ट एंगल इज विलिंग टू रेसल फॉर WWE अगेन फॉर $10 million। तो $10 million दोस्तों कर्ट एंगल मांग रहे हैं, और ये चीज कह रहे हैं अगर मुझे एक फाइट करवानी है तो मैं $10 million के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। तो जब तो दोस्तों डब्ल्यू वालों ने उन्हें साइन किया था तब तो उनसे कोई फाइट नहीं ली, भला अब कौन उन्हें $10 million देगा। हाँ हो सकता है कि सऊदी वाले इवेंट में दोस्तों उन्हें 10 मिलियन मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच उन्हें इस टाइम जब वो एज के इस पड़ाव पर है इतना पैसा देने वाले हैं।
अब गाइस बात ही लगी है ट्रिपल एच की, तो ट्रिपल एच के बारे में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कल सर्वाइवर सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां केविन ओवंस ने खासकर दोस्तों बात की है केविन ओवंस की, बात की है अपनी ब्लड लाइन की। तो सबसे पहले तो पॉल हेमन ने ये चीज कही है वहां की, देखो जो सेमी है उसने धोखा नहीं दिया है, उसने धोखा नहीं दिया है ओवंस को, ओवंस ने धोखा दिया है। जब पता था ओवंस को कि सेमी ब्लड लाइन के साथ है तो भला क्यों उससे पंगा लेने की थी, तो वो बड़ा धोखेबाज है। जिसके बाद दोस्तों सेमी ने ये चीज कही कि मैं जानता हूं कि आप सब लोग क्या सोच रहे हैं, देखो केविन ओवंस और मैं बचपन के दोस्त है और अभी भी हम रियल लाइफ में दोस्त है, लेकिन हाँ यहाँ बात थी लॉयल्टी की और मैंने लॉयल्टी को प्रूफ किया है। तो यहाँ दोस्तों सेमी काफ़ी ज़्यादा लॉयल नज़र आए हैं, इवन दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ऊंच नीच नहीं की। रही बात दोस्तों ट्रिपल एच की, ट्रिपल एच ने ये चीज़ कही है हेल इन अ सेल जैसे इवेंट के ऊपर, क्यों नहीं जानते कि अभी हेल इन सेल का क्या किया जाए, क्योंकि हेल इन अ सेल को ऐसे राइवलरी भी दोस्तों पुल आउट किया जा सकता है और ऐसे भी ये काफ़ी बढ़िया प्रीमियम लाइव इवेंट रहता है। तो कन्फ्यूज नज़र आए, लेकिन हाँ ट्रिपल एच ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि हाँ इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं आगे जाकर, जिसे दोस्तों आज के मेन खबर में भी डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं रिया रिप्ली की, जो कि फिर से एक कॉन्ट्रोवर्शियल बयान के चलते आ चुकी है चर्चा में। रिया रिप्ली ने दोस्तों सर्वाइवर सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर मैं कहूँ कि बैकी के साथ साथ और कौन सी ऐसी महिला थी जिसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, नाम लूंगा रिया का, क्योंकि रिया बाकी की महिलाओं से डिफरेंट है, वो पुरुषों की तुलना ही है। और यहाँ दोस्तों रिया ने बात ही कुछ ऐसे कर दी है, वो कही है आई एम समथिंग वी हैवंट सीन इन WWE सिंस प्री मच चाइना। तो चाइना आपको याद होगा DX की काफ़ी तगड़ी फीमेल सुपरस्टार थी, बिल्कुल मर्द लगती थी, उनसे कंपेयर किया है खुद को रिया रिप्ली ने। और ये कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि चाइना को लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है रिया चाइना से बेटर है या फिर चाइना ज़्यादा बेटर थी? बात कर लेते दोस्तों रिया के उस कांड की जो कि देखने को मिला सर्वाइवर सीरीज के बाद। तो रिया रिप्ली ने दोस्तों कंधे पर इयो स्काई को उठाया वॉर गेम्स के बाद, उससे चल ही नहीं जा रहा था और इसे पता चलता है वाकई में वो थोड़ी थोड़ी चाइना की लेवल की है। बात कर लेते हैं अब अपने द फीनोम अंडरटेकर की। तो मैंने आपको बता रखा था कि सर्वाइवर सीरीज के बैक स्टेज अंडरटेकर होंगे, बहुत से लोगों को ये चीज़ बुरी लगी अंडरटेकर वहां नहीं आए, तो कॉमेंट में दोस्तों मैंने पढ़ा था। तो अंडरटेकर बैक स्टेज ही थे लेकिन उनका यूज़ नहीं हुआ है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं वो दोस्तों स्टेफनी मैकमैन के साथ दिखाई दिए, उन्होंने टैग भी डाला है और ये चीज़ भी लिखी है ऑलवेज ग्रेट टू सी माई फ्रेंड। बैक स्टेज स्टेफनी के साथ शायद से वो फ्यूचर डिस्कस करने आ रखे थे या फिर अपनी कोई सीरीज, अपना कोई शो। बात कर लेते हैं थ्योरी की अब, तो दोस्तों हमने पास्ट को डिस्कस कर लिया है, फ्यूचर को डिस्कस कर लिया है, बात कर लेते दी नाउ ऑस्टिन थ्योरी की। ऑस्टिन थ्योरी ने दोस्तों ट्वीट किया, वो लिखे 2x, साथ साथ आपको बताना चाहूंगा सीना को भी उन्होंने कॉल्ड आउट किया है। ऑस्टिन थ्योरी के बारे में कहूँ तो पहले दोस्तों एक डरपोक हील थे, अब दोस्तों एक चलाक हील है या फिर कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हील है। अब सवाल उठता है ब्लड लाइन का क्या माजरा है, ब्लड लाइन क्या कर रही है इस टाइम? तो इस टाइम दोस्तों ब्लड लाइन फाइट दे रही है, तो ब्लड लाइन को सल्यूट है दोस्तों। सर्वाइवर सीरीज के खत्म होने के बाद दोस्तों पोर्टलैंड में एक लाइव इवेंट था और वहां ब्लड लाइन ने फाइट किया और WWE वालों ने भी उन्हें शाउट आउट दिया है। इवन दोस्तों खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जे उसो को रिस्ट इंजरी है, तो वाकई में दोस्तों जो कहते हैं ना कि जे उसो वर्क हॉर्स है, वाकई में दोस्तों एक वर्क हॉर्स है और काफी तगड़ा वो बंदा है। हालांकि कल उसने सेमी को गले लगाया और वो ट्वीट वो स्टोरी उन्होंने दोस्तों मेंशन भी किया इंस्टाग्राम के ऊपर, यानी कि दिल की जो भी दोस्तों उनकी भड़ास थी वो खत्म हो चुकी है, अब सेमी और वो काफी अच्छे मित्र बन चुके हैं। बात की जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की, वह सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के प्लान्स NWA के प्लान्स को डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि WWE वालों के क्या प्लान है। बताया जा रहा है दोस्तों कि जो रॉ रहेगी दोस्तों 2 जनवरी की और 30 दिसंबर की जो स्मैकडाउन रहेगी ना, उसे WWE वाले स्पेशल बनाने वाले हैं। स्पेशल दोस्तों इसलिए बनाने वाले हैं, न्यू ईयर बिगन होगा, डे वन कैंसिल हो चुका है। बताया जा रहा है दोस्तों इसे प्रीमियम लाइव इवेंट के जैसा बड़ा बनाया जाएगा, हो सकता है वहां चैंपियनशिप भी डिफेंड हो ट्राइबल चीफ की। लेकिन अब ट्राइबल चीफ की बात लगी है तो नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा? बताया जा रहा है कि केविन ओवंस फ्रंट रनर है दोस्तों उनके नेक्स्ट ओपोनेंट होने के, जो चीज दोस्तों मुझे काफी बुरी लग रही है। रॉयल रंबल में अगर फिर से ओवंस वर्सेस रोमन होता है तो मैं तो नहीं देखना चाहता, क्योंकि 2021 में 3 फाइट हुई थी इनकी जिसमें तीनों में ट्राइबल चीफ जीते थे, तो एक पुरानी राइवलरी को इग्नाइट किया जा रहा है जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपका क्या ओपिनियन है बताया जरूर, लेकिन
अभी के लिए दोस्तों ओवंस ही आगे चल रहे हैं, बात की जाए वो अपने मेन खबर की तो गाइस वो जुड़ी हो हमारी WWE इंडिया से। तो ट्रिपल एच ने दोस्तों कल इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट्स एंड दोस्तों लाइव इवेंट्स पर ये चीज कही थी कि वो हर घर तक पहुंचना चाहते हैं, और आज दोस्तों स्पोर्ट्स क्रीडा वालों ने एक बड़ी न्यूज ब्रोक की है, और इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि WWE प्लान कर रहा है जनवरी में हैदराबाद में दोस्तों प्रीमियम लाइव इवेंट स्लैश लाइव इवेंट रखने की। या तो दोस्तों ये वाकई में कोई प्रीमियम लाइव इवेंट रह सकता है, या फिर दोस्तों एक ऐसा लाइव इवेंट रहेगा जो कि ह्यूज होगा जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में WWE करती है। तो ये दोस्तों काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अभी के लिए दोस्तों आप इसे रूमर तो मान सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें काफी ज्यादा पुख्ताई इसलिए भी है क्योंकि निक खान ने इस साल के मिड में ये चीज कही थी कि जैन में कुछ बड़ा करने वाले हैं और गाइस WWE में इंडिया आने वाली है। तो वीडियो आज कितनी थी इंडिया के नाम WWE के नाम, वीडियो को दोस्तों आप शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।